हाय फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो के साथ हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स गो। ओके, तो हम बात करने वाले हैं रॉयल्टी के बारे में। लाइक चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, सबको चाहिए होता है रॉयल्टी। मतलब अच्छा फ्रेंड हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, कोई भी, तो सबको ये लगता है कि हाँ रॉयल्टी बहुत अच्छी है, ये वो अच्छा। भाई आज के टाइम में रॉयल्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे कि एक ढंग का प्यार अगर आपको चाहिए वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसी रॉयल्टी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिलती है तो लोग उसमें चीटिंग कर देते हैं, नहीं तो भरोसा नहीं कर पाते किसी रीज़न से। तो सीधा सा फंडा है रॉयल्टी अगर करनी, उसके बहुत से फंडे होते हैं, आपको पता है, कैसे भी आप टेस्ट कर सकते हो आज के टाइम पे। लेकिन अगर कोई आपको अपनी रॉयल्टी दिखा रहा है किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो और जैसा है उसे वैसे ट्रीट करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसमें अपना जब रॉयल्टी दिखाते हैं ना, कई बार लोग अपना कुछ भी कर देते हैं तो उसमें भूल जाते हैं कि हाँ वो ऐसे क्यों, वैसे क्यों। आज के टाइम पे रॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली काइंड पर्सन होना इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रॉयल्टी, काइंड पर्सन एंड ट्रस्टेड पर्सन, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं तो आप एक अच्छे इंसान नहीं, और एक अच्छे रिलेशनशिप में भी आप नहीं जा सकते, ऐसी फ्रेंडशिप में भी। तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखो आप। मतलब ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमारी फैमिली भी बताती है। हमारे कई बार कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे कि हम बोलते तो नहीं, लेकिन बातें करते करते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम सीख लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको खुद में भी होना चाहिए। तो प्लीज़ इन तीन चीज़ों को फॉलो करो, एक तरीके से अच्छी हैबिट्स को, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।